हम लास्ट में बड़े मीठी सी डेजर्ट लेकर आए थे हम आपके लिए, जिसका नाम कुनाफा था, उसी तरह आज भी आपके बड़े मजेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, तवा कलेजी। बहुत ही मजेदार होती है, स्पाइसी सी होती है। हम कराची वाले हैं, बहुत तड़का लगा के चटपटी सी चीज़ खा रहे होते हैं, और ये जो है हम चिकन में बना रहे हैं। कुछ लोग जो है गाय की कलेजी शॉप से खाते हैं तो वो इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब इसके इंग्रेडिएंट की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी आपका इसको लेकर सवाल हो या कुछ ना समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तवा कलेजी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं 500 ग्राम कलेजी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून देगी मिर्च, 2-3 चुटकी जायफल जावित्री पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 लेमन, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये जितने भी तमाम स्पाइसेस हैं मैंने 1 टीस्पून लिए हैं, बस हल्दी 1/4 टीस्पून ली है, और 3 चुटकी मैंने ली है जायफल जावित्री पाउडर। गरम मसाला भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। उसके अलावा 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 3-4 टमाटर जो कि मैंने चॉप किए हैं, 3 प्याज लिए हैं जो कि मैंने चॉप की है, और 1 कप ऑयल लिया है। और गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्च इस तरह कट की हैं, और धनिया चॉप यूज़ किया है जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। 4-5 चिली जो है मैंने चॉप की हैं जो कि मैं उसको कुक करते हुए ऐड करूंगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ये बोलो मैंने 1 कप ऑयल डाला इसमें, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। बहुत दफा ऐसा होता है हम ऐसा काम करते हैं ना, हम पैनिक हो जाते हैं। आप जब भी एक कोई ऐसा काम करो ना पैनिक ना हो, हम ऑयल डालते हैं, छींटे डालते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बहुत रिलैक्स होकर चलोगे काम करो, जितना आप चलोगे काम करोगे ना सीरियसली उतना ही अच्छा काम होना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें भी बनाने का क्रेज होता है कि मतलब आप बटाकट वगैरह कुछ बनाते हो तो आपको बड़ा मजेदार लग रहा था क्या उसको उसकी आवाज भी अच्छी लगती है। एक दफ़ा मैं अपने फादर के साथ अपनी फैमिली के साथ बंस रोड गई थी, तो मैं जो हूँ कटाकट इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह वो बना रहा था ना उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने कहा अब तो मुझे कटाकट ही खाना है। बाद सी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको क्रेविंग्स हो रही होती है, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कुछ चीज़ आपको अट्रैक्ट कर देना बस वो फिर दिमाग में चलती रहती है, और अगर मैं वो नहीं खाती ना सीरियसली पूरी रात मेरे जहन में चलते रहता। अभी जो है मैंने इसके अंदर प्याज जो है वो अच्छी तरह मैं उसको सॉफ्ट करी हूँ। लाइक प्याज का और लहसुन अदरक का जो अरोमा आता है ना वो बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त होता है। अच्छा मैं इसके अंदर ना मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ जो हमने चॉप करके रखी थी, रेड चिली जो हमने चॉप की हुई थी, अब मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ। वो चिली जो हमने चॉप की हुई थी, थैंक यू टाइम, ग्रीन चिली जो हमने चॉप की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो कि 3-5 ये मेरे घर के बच्चे हैं चीते, ये मेरे साथ लगे हुए हैं, हम लोग को बड़ा शौक है ये बस कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। गेम शुरू हो गए, हम इसको थोड़ी देर इतनी देर कुक करेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। अरे थोड़ा सा तवा छोटा है ना तो थोड़ा सा इसमें मसला है बनाने में, लेकिन ट्राई करने में क्या रहता है। हमारे इसमें स्पाइसेस देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, देखिए जिसका जबरदस्त इसका लुक आ रहा है। मतलब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, देगी मिर्च,
लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर। अब हम मसाले को हमें अच्छी तरह पकाना है। इसका अरोमा अभी सीरियसली बहुत मजे का आ रहा है, क्योंकि मसाला पक जाएगा ना बिल्कुल, जितनी इसकी खुशबू अच्छी है उतना ही खाने में जितनी मजे का होगा इंशाल्लाह। इसके मसाले को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, फिर इसमें बस मुझे कलेजी ऐड करनी। बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी होती है, कोई चीज़ हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी चाहिए, इससे आपका ज़्यादा खराब। बाद हम ये करते हैं, हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी हम नॉर्मल क्वांटिटी यूज़ करें, हर चीज़ ज़्यादा ऐड करने से अच्छी नहीं होती। बाद ज़्यादा ऐड करने से चीज़ें की ठीक है ज़्यादा खराब हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी कलेजी। बड़ा कोई मैसी काम है, लेकिन सीरियसली जब बनती है ना बहुत आला लगती है। और हम अगर चाहें तो हम इसमें एंड में ना छोले का धुआं भी दे सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँ लेमन, जायफल जब इतनी जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा ही करा था, क्योंकि ये हम ज़्यादा खुशबू के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अभी मैंने इसमें लेमन ऐड किया था और लेमन के साथ मैंने जायफल जब इतनी ऐड किया था उसके अलावा भी स्पाइसी ज़्यादा सारे स्पाइस ऐड हो चुके हैं। और ये भी बस रेडी ही है। अब बस हमें इसके साथ बनाना है पराठा, जो कि हम इसके साथ सर्विंग कर रहे हैं। ये हमारा तवा कलेजी एकदम रेडी हो चुका है। अच्छा, इसके अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, फाइनल फिटिंग में थोड़ा सा तवा से दिखाने के, बड़ा प्यारा लुक आना है तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम प्लेटिंग ऐड करेंगे। पराठा बनाते हैं, पराठा बन जाएगा, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग हो जाएगी, फिर हम आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन आंटियों के लिए है जो मुझसे पूछती हैं तुम्हें पराठा बनाना आता है। तो अब मैं अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ करूँ, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ ताकि ये सवाल मुझसे होना बंद हो। और ये है हमारी मजेदार चीतावा कलेजी, जो कि बहुत मजे की बनी है सीरियसली। ये दोनों भी बैठ के देख रहे हैं। मैंने इन लोगों को कहा था मैं साथ खाऊंगी, लेकिन एक बाइट तो बनता है। ये हमारी एक मेनू स्टोरी जिसमें हम नींबू डालेंगे, नींबू वाले पर डालने डालेंगे। बहुत मज़ेदार है, आप लोग ट्राई करें, मज़े की लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अभी मेरा अकाउंट है, मैं नीचे अपनी लिंक शेयर कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।